हाय दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों को बैक में आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, तो मैं बता दूं कि बारिश हो रही है। वैसे डेली का नियम बन गया अब ये बात आप लोगों को बताने का कि बारिश हो रहा है, पर आज खास बात ये है कि हम लोग कल या परसों में मतलब अपने घर जाने वाले हैं। तो देखो मतलब कि कितनी बारिश हो रही है, और अभी पैकिंग मैंने क्या रात को थोड़ी सी की थी और थोड़ी सी अब भी कर लूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और हम लोग पिछली बार गए थे ना यार, जब भी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी, और मुझे लग रहा है इस बार भी वही होने वाला है। वैसे हमारी ट्रेन नाइट में होती है, आई होप जब तक बंद हो जाएगा, नहीं होता है तो वही पिछले वाला हाल रहेगा। देखो मैं आपको दिखा ही देती हूँ, कि क्या बोलो, कपड़ों का हाल तो मैं पहले भी बता चुकी थी, ये इधर डले हैं, कुछ इधर डले हैं सूखने का नाम नहीं लेते। और ये देखो कैसे बैठा है, क्योंकि इसको जाना है बाहर और बाहर बारिश हो रही है, इसलिए ये दो तीन बार गिर चुके हैं, इसलिए अभी फिलहाल मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। तो यार आज मैंने नाश्ते में सुबह सुबह देखो बनाए थे पोहा, और मैंने इनके लिए टिफिन लगा दिया है, क्योंकि अभी ये टिफिन मतलब खा के नहीं जाते यार घर पे, क्योंकि जल्दी 8 बजे चले जाते हैं। अब इतनी जल्दी भूख तो नहीं लगती, तो लेके ही जाते हैं। तो चलो अभी इनको लगाने के बाद मैं भी करूँगी। और ये देखो, ये मैंने रात को पैकिंग की थी, ये मेरा रात का ही वीडियो है, मैंने शूट कर लिया था। और मैं कपड़े निकाल के रख रही थी अलमारी में से कि मुझे क्या क्या लेके जाने हैं। ये रात को मैं अपना बैग लगा रही थी काम वगैरह से फ्री होने के बाद। और ये देखो विधान बराबर से ही साथ में है, बच्चों का तो यही रहता है। ये देखो कहीं इधर कहीं उधर। तो मैंने सोचा भी यार बैग लगा थोड़ा थोड़ा सामान रख लो, तभी और एक साथ रखो तो याद भी नहीं रहता ना, जब तुरंत सामान रखते हो तो। वैसे मेरी तो मोस्टली आदत है कि मैं बैग वगैरह कहीं भी जाती हूँ पहले से ही रेडी करके रख देती हूँ। तो बस वही मैं बैग वगैरह लगा रही थी, क्योंकि वहाँ तो सर्दी नहीं होती है और हमारे यहाँ तो यार बहुत सर्दी होती है। ये देखो मेरा वो बैग है लास्ट में मतलब एक बैग मैंने रात को ही रेडी कर लिया था, और इसमें अभी मुझे ब्लैंकेट वगैरह रखने थे और विधान के ये कपड़े रखने थे डेली यूज वाले, क्योंकि जो सूख गए थे, क्योंकि पता है ना बारिश हो रही है तो यार कपड़े से नहीं सूखते, अभी नहीं सूखे थे तो फिर मैंने इसमें गीले ही रख लिए थे, क्योंकि यहाँ तो सर्दी नहीं पड़ती पर यार हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो बस मेरा इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, ब्लैंकेट वगैरह रखनी थी, और ये जो बैग है मैं हम लोग इसमें खाना रख लेते हैं, क्योंकि खाने को यार बार बार आप बड़े बैग से निकालो तो फिर सही नहीं रहता। तो जो हमारे पीठ पे टांगने वाला बैग होता है उसमें मैं खाना रख लेती हूँ। और तो आप लोगों को अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय। और हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो आपको ट्रैवलिंग का आएगा, मतलब हम लोग स्टेशन वगैरह का आएगा, रास्ते का आएगा, तो ज़रूर देखना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और ये देखो, हमारे ट्रेन पे जाने से पहले हमारे विधान की ट्रेन स्टार्ट हो गई है। अब ये स्टेयर से पूरे घर में चलाएगा, चला के दिखाना। तो ये देखो मेरा शाम वाला